बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। चाइना ने कुछ अरसा पहले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरी डिटेल बताई कि पिछले चंद सालों में अगर हम सिर्फ देखें तो 81 दफ़ा अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतों का तख्ता उल्टा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है और कई जगहों पर उन्होंने अपोजिशन को साथ में लाया। जो हुक्मरान उनके सामने खड़ा हुआ है, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, अमेरिका ने उसको फारिग किया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के अंदर ये वर्ड बहुत ही आम हो चुका है, रिजीम चेंज, सबको पता है क्या। अब जरा आप अंदाजा कीजिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जरा खबर पढ़े, आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त चल क्या रहा है। अमरीका के मीडिया, जिसको अमरीका की एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, वहां पर नैरेटिव बनाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है अमेरिका को। यानी आप सोचे कर क्या रहे हैं कि सहाफी लिख रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कि अमेरिका ईरान और रूस में रिजीम चेंज कर दे, वहां पर यानी रूस में इब्राहिम रेसी का तख्ता फारिग कर दे, इसकी जगह कोई और बंदा लेकर आए, यानी वो पूरे का पूरा ईरान में सिस्टम जो है तलट पलट कर दे, वहाँ का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी से लेकर इन सब को फारिग कर दे। और उधर रूस के अंदर 1999 के बाद आज जब पुतिन ने पांचवी दफ़ा हलफ उठाया है प्रेसिडेंट का, और जब वो आया था तब हालात बड़े ख़राब थे, उसका हकूमत का सिलसिला ख़त्म करके वहाँ रिजीम चेंज करे। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अमरीका भी करने के लिए जा रहा है, कामयाब होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब रूस के अंदर कोई अदम एतमाद ले हैं पुतिन को हराने के लिए, वहाँ पर आप अपोजिशन को मिला लें, वहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें या फलाना करें, आप उन्हें कि जी आप अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं तो रूस को उठा दें, वहाँ तो ऐसा है नहीं, वहाँ तो सदारती निज़ाम है और वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ईरान के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर सदारती निज़ाम है, जहाँ सदारती निज़ाम होता है वहाँ ज़रा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है, एक तरीका डिफरेंट होता है। तो फिर आप बताइए कि अमेरिका इन दो मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे करेगा, उसका क्या प्लान हो सकता है। सबसे पहले और नंबर वन सूरत हाल होती है उस मुल्क की सिक्योरिटी इतनी ख़राब कर दी जाए, इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी जाए कि वहाँ पर लोगों को उकसाकर सड़कों पर ले आया जाए, वहाँ एहतजाज शुरू हो जाए, भरपूर अंदाज में वाम सड़कों पर हो, तितर बितर कर दे वो निज़ाम रूस के अंदर भी और ईरान के अंदर भी, और उसके बाद अवाम इतना उकसा कर इतना उनको तंग किया जो उसके अंदर अपने शरपसंद अनासर भिजवाए जाएँ, और उसके बाद वो बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लें, सदारती महलों में चले जाएँ, पूरे मुल्क में और कह दें सारी दुनिया के अंदर मीडिया को इस्तेमाल करें और हर जगह पर उनके खिलाफ एक काम किया जाए। ये होती है सूरत हाल जहाँ पर कोई जमहूरियत जैसा सिस्टम नहीं होता, जहाँ पर आप अपोजिशन को कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आओ, या वहाँ पर आपने हकूमत के जो इत्तेहादी होते हैं उनको तोड़कर गवर्नमेंट गिरानी होती है, या एक अदम एतमाद ले आओ, या कोई ऐसी सूरत हाल जहाँ पर अपोजिशन को आप मिलाकर कुछ भी चेंज कर दें, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल जब ना हो तो पहला काम ये होता है। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस, इतनी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो जाएँ पूरी दुनिया के अंदर, यानी कोई ऑयल, गैस, फाइनेंशियल, हर तरह से जो उनकी कमाई का ज़रिया है वो बंद कर दें, ताकि वहाँ पर लोग खुद ही सड़कों पर आ जाएँ, एहतजाज करते करते अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएँ। फिर उसके अलावा इनको इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कर दें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम करें, ये तमाम के तमाम चीज़ें करें। फिर उसके बाद साइबर ऑपरेशन करें, इनके मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर दें, इनके मुल्क के अंदर हर तरह की सूरत हाल करें, वाम को सड़कों पर लें, उसके अलावा रीजनल प्रेशर हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी तमाम की तमाम चीज़ें कर दें। आप बताएं, ये सिर्फ वजह होती है कि जहाँ पर आप अदम एतमाद नहीं लेकर आते, क्या ऐसी कोई सूरत हाल इनमें से जो हकीकत टीवी ने आपको बताई है रह गई है जो रूस में और ईरान में इन्होंने ना की हो। पुतिन ने यह बात बताई थी हालिया, उसने कहा कि मेरी गवर्नमेंट हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 20 अटेम्प्ट हुई हैं पिछले कई सालों में और सारी नाकाम हुई हैं। अब ओपनली वो कह रहे हैं, अमेरिका तो कहता होता है कि हम रिजीम चेंज करते नहीं हैं,
जो कोई लीडर हमारे सामने खड़ा हो हम तो उसको कुछ नहीं कहते, ये ओपनली इन्होंने बातें की है ना। तो चाइना ने ओपनली कहा कि 81 मुल्कों के अंदर तुमने हुकूमतें बदली हैं, रिजीम चेंज किया है, जो मुल्क का सरबरा अमरीका के सामने खड़ा होगा ये उसको छोड़ेंगे नहीं, ये उसको तितर बितर कर देंगे कि तुम्हारी जुरत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने खड़े हुए। एग्जैक्टली अब तो खुलकर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप समझिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको बताती है जो कि मोहम्मद इस्लामी और ये जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के, और इनकी मुलाकात जो हुई है अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनाजी, ये सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं ईरान के अंदर। इस मुलाकात के बाद उनको ये लगता है कि ईरान को फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि इस मुलाकात में उन्होंने कहा है सऊदी अरब को, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, आपको एटमी ताकत बना देते हैं, आए मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा जी हम एटमी ताकत बन गए हैं, हम आपको बताएंगे कि आपने, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर देते हैं, आप भी एटमी ताकत बने। आप सोचें जब सऊदी अरब एटमी ताकत बन जाएगा, न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो इसराइल का क्या हाल होगा? उसके बाद जाहिर सी बात है वो मान केगा, कतर केगा, सऊदी अरब के बाद बाकी कंट्रीज कहेंगे। तो जब सारी कंट्रीज कहना शुरू हो जाएंगी मुस्लिम, तो फिर क्या होगा? फिर इसराइल का वजूद कहां पर जाएगा? अमेरिका अब सारी सूरत हाल में सोचे उसके साथ क्या हाल होगा, और फिर दौड़ लग जाएगी। तो सारे इस मामले के अंदर देखेंगे कि इसराइल का तो गेम बच गया है, ये वजह है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरा देखिए जिस तरह ईरान ने ताकत पकड़ी हुई है, ईरान रौंदता हुआ सबको जा रहा है, वो तो किसी की परवाह नहीं करा, होशियों को उन्होंने आगे लगाया है और उन्होंने इनको छोड़ा नहीं है। फिर उसको सोचे ना कि अगर ईरान इसी तरह ताकत से आगे बढ़ता रहा, आप जानते हैं कि ईरान से इस वक्त जो हालिया उन्होंने हमला किया उसके बाद इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनसे बायर हैं, यानी अंडरग्राउंड डील्स हो रही हैं उनकी, अंडर द टेबल उनसे डील हो रही है, बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप हमें मिसाइल दें, टेक्नोलॉजी दें, और कई ममालिक बताए बगैर उनसे चीज़ें ले रहे हैं। अरबों डॉलर्स की उनकी डिमांड बढ़ गई जब से उन्होंने इसराइल पर हमला किया है, क्योंकि सबने देख लिया है कि जो ईरान ने कहा है कि 250 फाइटर्स जेट थे उनको बीट किया है, अमरीका, इसराइल, फ्रांस, बरतानिया इन सब का डिफेंस सिस्टम बीट किया है, और थक्कर ड्रोन्स थे जिन्होंने काम किया, और सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो उनके मिसाइलों की डिमांड आसमान पर चली गई। तो उनको ये लग रहा है कि ईरान के मेरे काम करें। बताए ईरान कर क्या रहा है? दुनिया की कौन सी पाबंदियां जो ईरान पर नहीं है? ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं, हमने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किया हुआ था, हमें कह रहे हैं कि उनसे आपने गैस नहीं लेनी, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पाबंदियां कर देंगे, बैंकिंग सिस्टम सारा ले जाएंगे आपसे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे आपका। ईरान को किसी से डील नहीं करने दी जा रही, और जो मुल्क पाबंदियों की जद में वो डील करना चाहते उनको भी डील नहीं करने दी जा रही, यानी हमें। तो आप अंदाजा करें हमने उनसे 10 मुआहदे किए, वो सारे के सारे मुआहदे कहते हैं तुम्हारे मुंह पर दे मारेंगे, हम तुम पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं, तुम्हें डील नहीं कर रही। वो ईरान के अंदर कह रहे हैं कि हमें रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, आवाम को सड़कों पर लाना है किसी तरह, और इस सारी सूरत हाल में हमें आगे बढ़कर काम करना है। और दूसरी तरफ आप आ जाए रूस का, रूस के अंदर वो क्यों कह रहे हैं? देखिए प्यूटिन उनके गले की हड्डी बन चुका हुआ है, उनसे संभल नहीं पा रहा, उनको समझ नहीं आ रही हम इसको रोके कैसे, ये तो हमारे गले का हशर नशर करके बैठा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही हम उस प्यूटिन को कैसे रोकें। आज वो पांचवी दफा इस वक्त रूस का सदर बन गया, उसे हलफ उठा लिया है, और जो तकरीब हुई है सारी दुनिया ने देखा क्या नज़ारे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको ये लग रहा है कि अभी हाल ही हमने अटोमिक मिसाइल वहां पर लॉन्ग रेंज के लेकर आए, वो तबाह हो गए, और रूस पर हमने पाबंदी आयद की, आइसोलेट कर दिया, वो नहीं हो पाया। हमारा इत्तेहादी भारत जो इतना करीब था हमारे, वो उनकी वजह से हमसे दूर हो गया, और वो कह रहा है मैंने रूस से तेल लेना है, रूस वहाँ पर असला सप्लाई कर रहा है, वेस 400 एस 500 और इसराइल के लिए खतरा बना हुआ है। इसके अलावा दाइश का काम किया तो उसने ओपनली, किसी मुल्क की जरूरत नहीं हुई कि वो दाइश में अमरीका का नाम ले, उसने कह दिया अमरीका इसके पीछे वो बनाता है इनको। तो आप बताएं जब ओपनली खुलकर आप बात कर रहे हैं तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? अब उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि यूरोप हमारे यहाँ से निकल रहा, क्योंकि कई कंट्रीज यूरोप की हैं, वो कह रही हैं कि यूरोपीय यूनियन को कि या तो हम आपका यूरोप छोड़ देंगे, फिर हमें रूस से बातचीत करनी है। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें रूस से मामला अपने इसलिए तय करने हैं कि रूस हमें गैस थे, हम अमरीका के पीछे लगकर अपना तबाह नहीं मामला करना चाहते। उनको ये लग रहा है कि अगर ये काम ना रुका तो ये तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो इस बंदे को हटाना है।
जब 1999 में प्यूटिन ने टेक ओवर किया था, रूस की हालत इतनी बुरी थी कि मुल्क टूटा हुआ था, कई रियासतें लग हो चुकी थी, कटा पटा मुल्क था उनका, जमीन से उठाकर उस बंदे ने आसमान पर पहुंचा दिया रूस को। इसीलिए तो इस दफा 87% उसको वोट मिले हैं। और आप अंदाजा कर लें, जब अमेरिका, इसराइल, पूरा यूरोप, सारी ताकतें उसके खिलाफ है, अब ये क्यों रिजीम चेंज ऑपरेशन मांग करना चाहते हैं? आप सोचो, उसने हालिया एक कानून पास किया है कि जो मुसलमान यहां पर हैं या कोई भी गैर मुस्लिम अगर हिजाब में तस्वीर उतरवाता है, पासपोर्ट की, आईडी की, किसी चीज की, अलाउ है हमारी तरफ से। उसने कहा दुनिया में बैन किया जा रहा है हिजाब को, हम अलाउ करते हैं। उसने कहा दुनिया में मुसलमानों की मस्जिद बंद की जा रही है, हम मजीद मस्जिद खोलेंगे। उसने कहा कि मेरे मुल्क के अंदर कोई भी हम जिस परस्त नहीं हो सकता, सिर्फ दो तरह की जिन्स होती है, मर्द और औरत, इसके अलावा कोई नहीं। ये नहीं कि मर्द से मर्द औरत से। उसने कहा ये काम मैं होने नहीं दूंगा, बैन। उसने कहा मैं सारा वर्ल्ड ऑर्डर पिछला तबाह करूंगा, मैं नया लेकर आऊंगा। और उस सारे नए ऑर्डर में अब वो कर क्या रहा है? अब वो कह रहा है सारी दुनिया को, खास तौर पर रूस को, वो कह रहा है अपना खानदानी निज़ाम बचाए, बच्चे ज्यादा पैदा करें। वो बार बार कह रहा है वहां पर कि बच्चे ज्यादा पैदा करने, हमने लोगों को इनकरेज करना है कि फैमिली सिस्टम बनाए, क्योंकि जिनकी जो ग्रोथ होती है, बर्थ रेट होता है, वो कम होता है, वो सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है। माजी में ये हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। आप जापान का हाल देख रहे, चाइना जैसा मुल्क, इन्होंने कहा था वन चाइना पॉलिसी के तहत, उन्होंने दुनिया में कहा था वन चाइल्ड जो पॉलिसी होगी वो क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी 80 से लेकर अब तक की जो सूरत हाल थी, वन पॉलिसी थी चाइल्ड की। उसके बाद हुआ ये कि पॉपुलेशन उनकी गिरती जा रही, फिर उन्होंने कहा दो बच्चे पैदा करें। अब वो कह रहे हैं तीन करें, चार करें, जितने मर्जी करें, बच्चे पैदा करें, क्यों करने को तैयार नहीं? क्योंकि देखिए, जिस जनरेशन ने 50 साल देखा हो गैप, 2-3 जनरेशन गुजर जाती हैं, 50 साल में उनको ये लगा कि नहीं यार, हमारे मुल्क के अंदर माँ बाप, ये वो सारा कुछ, ये चीज़ें उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, तो अब उनके अंदर वो आदतें नहीं है बच्चे संभालने वाली। वो बड़ी मुश्किल से वो गुजारा करते, वो कहते हैं काम करो, वहाँ मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम करें, को बच्चे पैदा करने की जरूरत। अब जाहिर सी बात है, देखें 1.5 अरब के करीब आबादी हो और आपकी 21 लाख फौज हो, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जितने फौजी हैं चाइना के अंदर, याद रखिएगा, ये उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं अक्सरियत, जहाँ पर एक बच्चा पैदा किया गया और वो भी अगर कोई मारा जाता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, तो चाइना को गुस्सा होता है ना, क्योंकि उनकी पूरा नस्ल तबाह हो जाती है, वहाँ पर एक ही बच्चा होता है। अब यही वजह है उनको सबसे ज्यादा गुस्सा ये चढ़ा है कि कर क्या रहा है। प्यूटिन ने कहा है कि भाई मैंने बदलना है, वो कह रहा है बच्चे ज्यादा पैदा करो, आगे बढ़ो, नस्ल बढ़ाओ। और इसी तरह वो कह रहा है कि हमने यहाँ पर कोई, आपको पता है कि रूस के अंदर क्लब्स जो थे वहां पर ही सारा कुछ हो रहा था, तो फारिग कर दिया। उसने कहा नहीं, सिर्फ दो मर्द और औरत है, तीसरा कोई नहीं है, तो वहां पर उन्होंने लॉ रख दी है। तो किस तरह ये बंदा काबिले कबूल होगा? और ओपनली अब कहा जा रहा है रिजीम चेंज करना है, क्योंकि खड़ा हो गया प्यूटिन। अब वो कह रहे हैं ईरान के अंदर भी करो, हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं हमसे। यानी आप अंदाजा करें, आप हवा बना रहे हैं पहले मीडिया पर, ताकि आवाम, असल में तरीका कार क्या होता है, मीडिया पर आप एक आर्टिकल नहीं लिखते, आप पूरा नैरेटिव बनाते। ये चीज उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर दी, पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स उसको पढ़ते हैं, अवाम पढ़ती है अमरीका के अंदर, दुनिया में पढ़ती, वो भी क्या कह रहे हैं, बल्कि रूस में भी पढ़ा जाता है। तो वो उनको ये कहते हैं कि अच्छा आप ये काम करें कि हमने आपको नैरेटिव दिया है कि इस पर चलना है, और उसके लिए पैसा एलोकेट करें, बजट। बजट क्या होता है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप दें, उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को हम खर्च करेंगे वहां की तहरीकें उठाने में। देखिए दाइश के जो लोग थे, क्या रूस से नहीं निकले? इसी तरह वो बड़ी तादाद के अंदर वहां पर तहरीकें उठाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने रिसोर्सेज लड़ाते हैं, इसी तरह ईरान में वो काम करते हैं। ईरान के अंदर तो हालिया आप सबने देखा कि अंदर से ड्रोन भी उड़े थे। तो यहाँ पर उन्होंने सारा प्लान किया हुआ है कि हमने कैसे इसको मैनेज करना है, क्या क्या सूरत हाल करनी है, ये सारे मामलात वो सामने लेकर आ रहे हैं। और यही वो वजह है कि इस सारी पोजीशन के अंदर हालात ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई हैं। अब इनसे ना रूस संभाला जा रहा है, ना इनसे ईरान। असल में अगली वजह ये है कि ईरान एटमी ताकत भी बन रहा है, ईरान रूस के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में वो आगे जा रहे हैं, रूस को खतरा है, अमेरिका को खतरा है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि सऊदी अरब से लेकर बाकी कंट्रीज
उन सब ने ये बात कह दी है ओपनली कि भाई अमेरिका को ना तो हमने अड्डे देने हैं, अमेरिका को ना तो हमने कोई और काम करना है, ना हम उनको अलाउ करेंगे, ना कोई और सूरत है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त पैदा हुई है और दुनिया में इसका बड़े पैमाने पर इदराक किया जा रहा है। देखिए, रूस इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है, ईरान इनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका हुआ है और इन्होंने इसके बाद जानते हैं कि अगली स्ट्रेटजी क्या रखनी है। ये एग्जैक्टली चाइना में भी यही काम करना चाहते हैं, इसीलिए तो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी तेज है, वो काम कर रही हैं कि अमेरिका क्या कुछ करता है। बताएं किसी और मुल्क की, किस इवन के क्या पाकिस्तान में से, हम चाइना हमारा इत्तेहादी है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान में ये बात कह सकते हैं ऑफिशियली हमारी जानिब से हो सकती है जो चाइना ने किया? उन्होंने कहा 81 मुल्कों में इन्होंने रिजीम चेंज किया है। तो ये जहाँ पर इनको बंदे पसंद नहीं आते, कोई वज़ीर आज़म पसंद नहीं आता, कोई इनके सामने आंखें डाल कर खड़े हो जाता है, ये उसको नहीं छोड़ते, तो चाइना ओपनली ये बात कर रहा है। और अब ये देखिए, एक तो होता है कि पहले आप कहते थे एविडेंस नहीं है, जियो फलाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस होते हैं, लेकिन जो ये काम हो रहा है, आप मीडिया से धड़ाधड़ नैरेटिव निकलवा रहे हैं, ओपनली दुनिया को कह रहे हैं यार हम ये काम करने जा रहे हैं, किसी के बाप में भी हिम्मत है तो आए हमें रोक ले, ये इस वक्त सूरत हाल है, तो बताएं फिर बाकी मामला क्या रहेगा। तो लिहाजा इस सारे मामले पर चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई है, जो ममालिक इनको पसंद नहीं होते ये वहाँ पर ये ऑपरेशन करवा देते हैं और फिर उनके वजीर आजम को, सदर को, जिसका दिल करता है उसको फारिग कर देते हैं। कभी अदम एतमाद ले आएंगे, कभी किसी को जेल पहुंचा देंगे, किसी को रास्ते से हटा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये करेंगे। सो ये अब दोबारा रूस में और ईरान में ये बड़े पैमाने पर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।